आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद आज चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी, इसको लेकर वो लोगों को न्योता देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह रोहतक के गांव परावर में जिस जमीन पर सरकार का कब्जा था, वह जमीन सरकार से छुड़वाने के बाद वह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। नवीन जयहिंद ने कहा कि 1 अप्रैल से कुरुक्षेत्र से 36 बिरादरी को न्योता देने की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम का न्योता मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के सभी सांसद, विधायक और नेताओं को भी दिया जाएगा। दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि विपक्ष है मुर्दा, विपक्ष ने माल खा रखा है, कोई बोलने की हिम्मत है नहीं, सड़क पर उतरने की हिम्मत है नहीं। हम तो पिछले एक साल में 365 दिन में 300 दिन सड़क पर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि भगवान परशुराम का मतलब है, असली चेला का मतलब है कि जनता की लड़ाई लड़ें, डरें नहीं, और उसके लिए हमें लड़ रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जो है वो कमर कस ली है। नवीन जयहिंद का क्या रुख रहने वाला है, मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे या भाई ये अपना जयहिंद सेना तो हमारी तो जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी, जिसने कमर कसनी हो पेटी कसनी हो अपनी करते रहेंगे चुनाव के लिए। सवाल ये है कि जो सरकार होती है, सरकार अपना जो बोलती है वो मैनिफेस्टो पूरा करे, लोगों की सेवा करे, सरकार का मतलब हो ये, और विपक्ष का मतलब होता है ये कि भाई संघर्ष करे। अब ना तो संघर्ष चल रहा ना सेवा कर रही, क्योंकि वे पहले वाले माल इतना खा रहे हैं, वे बोलते नहीं हैं, इतने केस ला रखे मारे ऊपर तक केस ही है, ये एकर्स के हैं भाई, अलग अलग मेरे पता है केस कर रखे हैं। अगवा जमीन पर कब्जा छुड़वाया था हमने तो सरकार द्वारे छुड़वाया था, अमित शाह जी आए थे रोहतक में, 3 दिन आए थे, 3 दिन केस कर दिए थे मेरे ऊपर तो, मेरे ऊपर तो ये केस है भाई, आवाज़ ठाण गए हैं। पीछे जब अमित शाह जी आए जब ठाक केस कर दिया तो मेरे ऊपर तो भाई केस उसे है, मैं तो डरता नहीं हूँ इसलिए, और हालांकि न्योता दूंगा मैं, क्योंकि उड़े शिकायतकर्ता भी तो आओगे ना, और सभी बरादरी का, हम तो एक बरादरी की बात नहीं है, सारी बरादरी, क्योंकि भगवान परशुराम एक बरादरी के थोड़ी दे, सब के देवे थे जो अत्याचारी पापी थे राजा, उनकी गलियां लड़ाई थी। तो उसी तरह से, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार ये कहता हूँ, आपको मैं जानकारी देता हूँ भाई साहब, हरियाणा के लोग कितने परेशान हो रहे हैं इस फैमिली वाइडी की वजह से। मेरे पास रोज़ मैं कुछ कोई एमएलए एमपी मंत्री मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बावजूद लोग आके मेरे घर के बाहर वहाँ पर बैठ जाए, और लेकिन मुख्यमंत्री साहब राना के कूड़ चला रहा है, इसने सरकार ने अधिकारी है कोई जावे है, अधिकारियों के पास जावे है, कर्मचारियों के पास जावे है, तो नू कह दे जाएगा खट्टर साहब तो पूछो बोला क्यों काट दिया। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इन चीज़ों को लेके हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब तो यही कह रहे हैं हम कि भाई घर का नाम कबीर कुटीर रखने से आप कबीर नहीं बन जाते, और ना आप कबीर जैसे काम करते, तो इस घर का नाम कंस कुटीर रख ले, काम तो कंस वाले ही हैं, तो कंस वाले काम हैं। तो अच्छा गजब बात ये है, एक और चीज़ है, अब ये विपक्ष वाले हैं ना, तो इसने कोई धृतराष्ट्र कह सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिखता नहीं, तो धृतराष्ट्र तो कहनी चाहिए किसी ने, डराए हैं ना, इसने कोई कंस कह सकता, इतना बुंडा खोफ है मुख्यमंत्री साहब का। आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो लगातार बनता है, बिगड़ता है, एक बार फिर से बन रहा है, क्या नवीन जयहिंद की आम आदमी पार्टी में वापसी मन ने के करना है, अरे पार्टी पार्टियाँ का किसका बिगड़े है किसका बने है, अपनी जीत जी कराओ, अपन कोई मतलब नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।